subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइगर श्रॉफ एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, नर्तक और मार्शल कलाकार है। वह लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। वह अपनी पहली फिल्म हीरोपंती के साथ रातों रात स्टार बन गए, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। वे बचपन में बहुत ही सक्रिय थे और 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। एक अभिनेता, पिता और निर्माता, माँ होने के नाते हमेशा उनके खून में अभिनय की एक चुटकी थी। उन्होंने ऋतिक रोशन की प्रशंसा की और उनकी तरह एक सफल अभिनेता बनने की गहरी इच्छा थी। वर्ष 2002 में टाइगर को अपना पहला ब्रेक मिला फिल्म हीरोपंती में। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा किया और उनके प्रदर्शन को दर्शकों ने भी सराहाया। उन्होंने फिल्म के लिए बहुत ही मेहनत की और इसके लिए प्रशिक्षित होने के लिए कुल 3 साल का समय दिया। श्रॉफ अगली बार एक्शन ड्रामा बागी में श्रद्धा कपूर के साथ दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन की कमाई की। इसी वर्ष टाइगर रेमो डिसूजा की और फ्लाइंग जट में भी दिखाई दिए, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के साथ था। 2018 में उन्होंने अपनी कथित प्रेमिका दिशा पटनी के साथ बागी और बागी 2 के सीक्वल के साथ फिर से वापसी करके सिनेमाघरों में धूम मचा दी। टाइगर श्रॉफ ने पुनीत मल्होत्रा के स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीजन 2 2019 में अभिनय करके बहुत ही धूम मचाई। 2012 में रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वो एक सीक्वल है। टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है, जबकि उनकी माँ आयशा दत्त एक निर्माता है। उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ भी पेशे से निर्माता है। टाइगर श्रॉफ कथित तौर पर बागी 2 की अभिनेत्री दिशा पटनी के साथ डेटिंग कर रहे हैं। टाइगर बचपन से ही औसत छात्र थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंसेट मोंटेसरी स्कूल जुहू मुंबई और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा के लिए MIT यूनिवर्सिटी नोएडा का रुख किया, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके। उन्हें 2009 में टीवी शो फौजी के रीमेक में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह केवल फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। साल 2012 में उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती में अभिनय करने के लिए उन्हें आखिरकार साजिद नडियाद्वाला द्वारा साइन किया गया था। हीरोपंती बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। टाइगर को फिल्म में उनके असाधारण नृत्य कौशल और स्टंट के लिए आलोचकों और जनता का प्यार मिला। टाइगर WWE रेसलिंग के उत्साही और प्रशंसक है। वह ब्रूसली और माइकल जैक्सन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनके शौक में डांसिंग, परफॉर्मिंग मार्शल आर्ट्स और जिम में वर्कआउट करना शामिल है। टाइगर एक बड़ा खाद्य प्रेमी है और पिज्ज़ा, पास्ता, सलाद और नॉनवेज व्यंजन खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एंटर द ड्रैगन टाइगर की सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म है। टाइगर को अपने खाली समय में फुटबॉल खेलना पसंद है। टाइगर तुर्की, बेलेजियम, बंगाली और गुजराती वंश का मिश्रण है। उन्होंने अपनी माँ की तरफ से बंगाली और बेलेजियम का स्पर्श प्राप्त किया और गुजराती और तुर्की ने अपने पिता की तरफ से। अभिनेता का असली नाम जॉय हेमंत श्रॉफ था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें टाइगर की तरह अपना नाम दिया था जब वह युवा थे। टाइगर ने आमिर खान को फिल्म धूम 3 के लिए अपने वर्कआउट शासन के साथ निर्देशित किया। अभिनेता के साथ अच्छे संबंधों के कारण आमिर टाइगर की शुरुआत के साथ टाइगर को उद्योग में लॉन्च करने के इच्छुक थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। अभिनेता ने ताइक्वांडो में 5वीं डिग्री की ब्लैक बेल्ट धारण की। वह बेंगलुरु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर और सह मालिक भी है। वह भगवान शिव का एक भक्त है और सोमवार को उपवास रखते हैं। वह अपनी प्रतिभा और जुनून का श्रेय भगवान शिव को देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी टाइगर श्रॉफ के जीवन के बारे में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।